औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान, एडवोकेट। और दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत फैसला फेडरल सिंध कोर्ट ने दिया है कि सूद को बिल्कुल नाजायज़ करार दे दिया है और बिल्कुल सूद के खाते की बात की है इस फैसले में। और ये केस दोस्तों बहुत पुराना पेंडिंग था, इसमें 1991, 1992, 1993 की बात है। उस वक्त पहले डिसीजन हुआ था, फिर उसके बाद फेडरल सिंध कोर्ट में चले गए, यानी कि ये डिसीजन काफ़ी अच्छे से ये केस पेंडिंग चला आ रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया गया। और मैं समझता हूँ जी, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और किसी भी सूरत इस्लामी रियासत में सूद जैसी कबाहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कबाहत हमारे लिए इंतहाई मुज़र है। किसी भी सूरत किसी भी मुसलमान के लिए सूद बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार लोगों पर लानत फरमाई है। उन चार लोगों में ये कहा गया है कि जी, एक तो सूद खाने वाले पर लानत, दूसरा खिलाने वाले पे, और तीसरा किसी भी सूद के वाले से कोई एग्रीमेंट लिखने वाले पे, या कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले पे जो लिखने वाला है उस पे लानत, और चौथे नंबर पे जो भी शख्स उस डॉक्यूमेंट का गवाह बनेगा जिसमें सूद की बात की गई है। तो इन चार लोगों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और कितनी अजीब गरीब बात है कि हम इतने वाज़े हदीस शरीफ के मुताबिक, यानी जो वाज़े कर दिया गया हदीस शरीफ में, अल्लाह ताला ने वाज़े बता दिया कि सूद हम पे हराम है, तो फिर भी हम सूद की मुख्तलिफ इश्काल निकाल देते हैं। हमारे पूरे बैंकारी निज़ाम को देखें तो किसी न किसी शक्ल में सूद पे चल रहा है। और कोई भी हमारा कर्ज़ा है, ख्वाह बैरूनी कर्ज़ा है, ख्वाह अंदरूनी कर्ज़े हैं, तमाम कर्ज़ात में सूद दिया जाता है, सूद दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी जुल्म की बात है। और इसके अलावा सूद के जो दीन इस्लाम ने बताए जी 73 दर्जात बताएँ, यानी 73 दर्जात बताएँ, जो सबसे कम दर्जा है यानी कि गुनाह का सूद के वाले से, वो ये है कि जो शख्स सूद खाएगा वो अपनी माँ के साथ बदकारी करेगा। दोस्तों, कितनी बड़ी जुल्म की बात है, कितनी खौफ की बात है कि जो सबसे कम दर्जा है वो अपनी माँ के साथ बदकारी करना है। तो इससे मैं समझता हूँ जी कि और हमें अगर क्या हमारी अकलों में पर्दा होगा कि बिल्कुल वाज़े अहकाम के मुताबिक हमें बताया गया जी कि वाजिब कर दिया गया हम पे कि जी सूद आप पे आराम है और सूद खाओगे तो ये नुकसान होगा वो होगा, तो फिर भी हम सूद खा रहे हैं। तो बहरहाल हमें ये चाहिए कि इस फेडरल सिंध कोर्ट के डिसीजन पे मन वाणी से पे अमलदारी होनी चाहिए और स्टेट को इस पे फौरन से अमलदारी करे स्टेट, और तमाम जितने भी हमारा बैंकों का निज़ाम है, हमारा तमाम कर्ज़ों का निज़ाम है, इसमें सूद को यानी इस रबा को इससे निकाला जाए। सूद को रबा कहते हैं अरबी ज़बान में, और रबा को बिल्कुल ख़त्म किया जाए और बग़ैर सूद के निज़ाम मुतारक़ करवाया जाए जिसमें किसी भी जगह पर सूद की स्मेल ना हो। तो यही मेरी गुजारिश है कौम से कि इस फैसले के अमलदारी के लिए आप सारे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और आप लॉबिंग करें, आप गवर्नमेंट को सेंसिटाइज़ करें ताकि इस फेडरल सिंध कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद किया जा सके।